वेलकम फ्रेंड इन माय चैनल प्रणव फॉर यू नॉलेज फॉर एवरीवन। तो अभी जो मेरा वीडियो चल रहा है वो वेल्डिंग के ऊपर है। तो आज जो मेरा टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ वेल्डिंग जॉइंट। टाइप्स ऑफ वेल्डिंग जॉइंट्स में क्या देखते हैं हम लोग, आज देखेंगे कॉमन जॉइंट्स कॉन्फिगरेशन, उसके बाद आता है वेल्ड बेस्ड ऑन कॉन्फिगरेशन, फिर आएगा बेस्ड ऑन पेनिट्रेशन, फिर आएगा वेल्ड बेस्ड ऑन एक्सेसिबिलिटी। यानी ये चार मेन पॉइंट है। अब इसका सब पॉइंट आएगा और उसका भी सब पॉइंट। जैसे कि पहला जो पॉइंट है वो है कॉमन जॉइंट कॉन्फिगरेशन। अब कॉमन जॉइंट कॉन्फिगरेशन में क्या क्या आता है, उसमें आता है बट जॉइंट वेल्डिंग, फिर आता है उसके बाद कॉर्नर जॉइंट वेल्डिंग, फिर आता है उसके बाद एज जॉइंट वेल्डिंग, फिर आता है लैप जॉइंट वेल्डिंग, फिर आता है टी जॉइंट और टी जॉइंट कॉन्फिगरेशन। यानी कि कॉमन जॉइंट कॉन्फिगरेशन में ये पांच तरह के जॉइंट्स आते हैं। इसके बाद सेकंड क्या है, वेल्ड बेस्ड ऑन कॉन्फिगरेशन। तो इसमें क्या क्या आएगा, पहला आएगा स्लॉट वेल्डिंग, दूसरा आएगा प्लग वेल्डिंग, इसमें दो है। इसके बाद बेस्ड ऑन पेनिट्रेशन, पेनिट्रेशन के आधार पर कितने तरह के वेल्डिंग जॉइंट्स होते हैं। तो पहला आएगा इसमें फुल पेनिट्रेशन वेल्ड, दूसरा आएगा हाफ या पार्शियल पेनिट्रेशन वेल्ड, सॉरी हाफ नहीं पार्शियल पेनिट्रेशन वेल्ड आता है। इसके बाद सबसे लास्ट में आएगा वेल्ड बेस्ड ऑन एक्सेसिबिलिटी। अब इसमें क्या क्या है ये आप देखते हैं, सिंगल साइड वेल्ड और दूसरा है डबल साइड वेल्ड। तो ये इतने तरह के वेल्डिंग के जॉइंट्स होते हैं। मैं इन सब पर अलग अलग वीडियो बनाऊंगा। तो आज की वीडियो में जो मैं कवर करने जा रहा हूं वो है पहला पॉइंट जो है कॉमन जॉइंट वेल्डिंग, कॉमन जॉइंट कॉन्फिगरेशन, जिसके अंदर आता है बट जॉइंट वेल्डिंग। तो आज हम क्या करेंगे, बट जॉइंट वेल्डिंग के ऊपर आज का वीडियो है। तो आइए देखते हैं बट जॉइंट वेल्डिंग क्या है। बट जॉइंट वेल्डिंग दो तरह के, मतलब दो प्लेट को जब इस तरह से वेल्ड करते हैं तो वो हो गया बट जॉइंट वेल्डिंग। और उसमें कितने तरह के टाइप्स होते हैं, वो होता है स्क्वायर ग्रुप्स, सिंगल बिवेल, डबल बिवेल ग्रुप्स, सिंगल जे ग्रुप्स, डबल जे ग्रुप्स, फिर आता है सिंगल वी ग्रुप्स, डबल वी ग्रुप्स, उसके बाद सिंगल यू ग्रुप्स और डबल यू ग्रुप्स। तो ये अलग अलग पार्ट्स क्या है, आइए इसका अलग से देखते हैं डेफिनेशन पूरा, क्या क्या है ये पार्ट्स। तो देख रहे हैं ये है सिंगल स्क्वायर ग्रुप, इसमें दो इस तरह से ग्रुप होते हैं। और ये देखिए अच्छी तरह से कैसे, सिर्फ इसमें कुछ भी एंगल फेंगल या बिवेलिंग एंगल कुछ नहीं होता, ये होता है सिंगल स्क्वायर ग्रुप। इसके बाद आता है सिंगल बिवेल ग्रुप, इसमें देखिए एक तरफ बिवेल है और एक तरफ स्क्वायर बना हुआ है, सिर्फ एक तरफ बिवेल है और इसमें कोई एक्स्ट्रा रूट भी नहीं है। आइए 3D में देखते हैं, ये देख रहे हैं, चारों तरफ से घुमा के दिखा देता हूं आपको। तो ये देख रहे हैं ये हो गया सिंगल बिवेल ग्रुप। इसके बाद है डबल बिवेल ग्रुप, यानी ऊपर से भी चैम्फर है फिर रूट है फिर नीचे से भी चैम्फर है, दोनों ही तरफ से चैम्फर है एक में, और एक जो है वो नॉर्मल स्क्वायर ग्रुप है। इसको देखिए 3D में आपको समझ में आ जाएगा, ये देखिए दोनों ही तरफ से है, इसमें एक में कुछ नहीं है एक में है। इसके बाद आता है सिंगल वी ग्रुप, इसमें दोनों ही प्लेट में वी तरह के जॉइंट दिए जाते हैं और नीचे रूट फेस जरूर रहेगा इसमें। ये 3D में देखिए, आप देखिए इसमें रूट फेस आपको नीचे दिख रहा है और ऊपर से ये वी बना हुआ, वी शेप में है। तो ये वी बिवेल जो है इसका वी शेप में बना हुआ है और दोनों दोनों पार्ट में होता है, दोनों ही पेरेंट्स मटेरियल में इस तरह के बने होते हैं। इसके बाद डबल वी ग्रुप, इसमें दोनों ही प्लेट में ऊपर भी चैम्फर नीचे भी चैम्फर, बगल वाले प्लेट में ऊपर भी चैम्फर नीचे भी चैम्फर, दोनों पेरेंट्स में पेरेंट मटेरियल में भी ग्रुप बना होता है, देखिए इसका 3D मॉडल में। इसके बाद है सिंगल जे ग्रुप, इसमें एक एक स्क्वायर ही रहेगा एक पेरेंट मटेरियल, सेकंड में ग्रुप जो है जे ग्रुप जे की तरफ शेप में बना रहता है, नीचे रूट फेस भी रहेगा, ये देखिए 3D मॉडल में। इसके बाद है डबल जे ग्रुप, इसमें एक में जे ग्रुप जो है वो नीचे भी रहेगा ऊपर तरफ से भी रहेगा, यानी दोनों ही तरफ से जे ग्रुप रहता है, देखिए ये 3D मॉडल में।
इसके बाद सिंगल यू ग्रुप, दोनों ही पेरेंट मटेरियल में एक यू शेप का ग्रुप बनाया जाता है और रूट फेस छोड़ा जाता है, तो इसको कहते हैं सिंगल यू ग्रुप। इसके बाद है डबल यू ग्रुप, यानी ऊपर से भी यू शेप, नीचे से भी यू शेप रहता है, बीच में रूट फेस रहता है, यह हो गया आपका डबल यू ग्रुप। ये देख रहे आप 3D मॉडल में दिखा रहा हूं। इसके बाद फ्लेयर बिवल ग्रुप, यानी एक जो शेप है वो इस तरह राउंड रहेगा और एक स्क्वायर रहेगा, इसको कहते हैं फ्लेयर बिवल ग्रुप। देखिए 3D मॉडल में, इसके फ्लेयर वी ग्रुप, दोनों ही में इस तरह से शेप रहेगा फ्लेयर की तरह, फ्लेयर वी ग्रुप इसको कहते हैं। तो दोस्तों आज हमने देखा कॉमन जॉइंट में बट जॉइंट वेल्डिंग। इसके बाद जो नेक्स्ट होगा उसमें हम लोग देखेंगे कॉर्नर जॉइंट वेल्डिंग। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट में हम लोग जो कवर करेंगे वो है कॉर्नर जॉइंट वेल्डिंग। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और हाँ, अगर आपको कोई चीज समझ में ना आए हो तो मुझे जरूर कमेंट्स कीजिएगा और लाइक बटन दबाइएगा और नोटिफिकेशन बेल भी। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।